कोई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है जैसे एनएफसी है या जैसे एनईसी है, वहाँ पे सूबों और वफाक के दोनों के इंटरेस्ट शामिल होते हैं। एनएफसी में उन्होंने भी अपना शेयर लेना होता है और फेडरेशन का भी शेयर होता है, और इसी तरह एनईसी जो है वो कंसर्न होती है प्लान्स के बारे, डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। ये वो बॉडी है जो बेसिकली फेडरल सब्जेक्ट्स के बारे में उनकी पार्टिसिपेशन होती है सूबों की, और वो एडवाइस करते हैं और वो पॉलिसी बनती है। तो ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं पूरे के पूरे आर्टिकल पढ़ने शुरू कर दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि जो आपने इसमें हम सबसे पहले अगर इसकी इम्पॉर्टेंस डिस्कस करें तो इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी, कि इसकी कंपोजिशन जो है दैट इज एट द हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर एंड थ्री फेडरल मिनिस्टर्स दे आर द मेंबर, और चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर हैं। और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन या इसको करने के लिए बनाने के लिए इतना कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड है जस्ट विद इन 30 डेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टेकिंग ओथ ऑफ ऑफिस ये प्रेसिडेंट इस काउंसिल को अपॉइंट करेगा। और उसका ये इतनी स्ट्रेस किया गया बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड, इसकी मीटिंग्स रेगुलर बेसिस पे हो सके, और दस्तूर के अंदर ही लिख दिया गया कि एटलीस्ट ये इट विल मीट वंस इन 90 डेज। अब आते हैं इसके फंक्शन, इसने क्या करने होते हैं। फंक्शन जो है वो है द काउंसिल शैल फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज इन रिलेशन टू द मैटर इन पार्ट टू ऑफ द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। और इसके साथ ही है एंड द काउंसिल शैल एक्सरसाइज सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। अब जिस वक्त हम ये चीजें देखते हैं तो जिस तरह लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं, आई वेंट टू नंबर ऑफ सेमिनार्स, वहां पे कई लोग इस हद तक चले जाते हैं कि एज इफ दिस काउंसिल इज रिप्लेसमेंट ऑफ एनईसी और यहीं पे सारा को डिसाइड होगा एंड इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ द कैबिनेट, कि ये लॉ भी यही पास करेगी और ये भी सारा कुछ करेगी। तो मेरी इसके ऊपर समिशन है कि हमें इस इंटरप्रिटेशन को, जो चार वर्ड्स हैं फॉर्मुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पॉलिसी एंड इन रिलेशन टू द मैटर्स इन द फेडरल लिस्ट पार्ट टू एंड एक्सरसाइज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी होती है बेसिकली इट इज कंसिडरेशन ऑफ वेरियस ऑप्शंस। पॉलिसी तो होती है, हर डिपार्टमेंट या हर ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी पॉलिसी के तहत काम कर रहा होता है। देन वी फील देयर इज अ नीड, या सुबह ये फील करते हैं कि देयर इज नीड फॉर द रिवीजन ऑफ दैट पॉलिसी, तो ये काउंसिल के पास इस तरह के सब्जेक्ट्स जाते हैं और वो वहाँ पे कोई पॉलिसी चेंजेस जो है वो सजेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर कोई लॉ भी है तो वो लॉ भी जो है वो सजेस्ट करते हैं कि इस तरह का लॉ बनाया जाए जिसमें ये चीज़ें कवर हों। जहाँ तक उसका है सुपरिंटेंडेंस कंट्रोल, सुपरिंटेंडेंस किसी भी बॉडी की जैसे जो है क्या नाम हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, इनकी रेगुलर रिपोर्ट्स भी होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स हो सकती हैं या पीरियडिकल रिपोर्ट्स मंगवा के काउंसिल उनको देख सकती है कि ये क्या काम कर रहे हैं। इसी तरह उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में सजेस्ट करना कि ये इस तरह के बंदे वहाँ पे अपॉइंट किए जाए, तो ये एडवाइस काउंसिल देती है। अगर हम ये चीज लें कि ये रिप्लेसमेंट बन गई कैबिनेट की, कि जी ये कैबिनेट वाला काम भी करेगी, लॉ को भी पास करेगी, तो आई डिफर ऑन दैट।